हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जी जो कि इस टाइम बहुत ही सैडनेस और आपको मिसिंग एनर्जी फील हो रही होगी और अचानक से आपका थ्रॉट ब्लॉक तो जो हुआ था वो क्लिंजिंग होना शुरू हो गया है। मतलब आपको हो सकता है कि नेक क्लियर हो रहा है, आपको जैसे ब्लॉकेज लग रही थी वो रिमूव होना शुरू हो गया है। तो हो सकता है आपके पर्सन इंटरनली आपको मैसेज सेंड कर रहे हो और आपसे बात भी कर रहे हो, जैसे मिरर के साथ बात करते हैं तो ऐसे वो आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं उनको क्या बोलूं ताकि मैं अपने जो मेरे दिल के अंदर की जो भावनाएं हैं या उनके लिए जो भी मेरे आपके लिए फीलिंग है वो एक्सप्रेस कैसे करूं। वो आपके लिए सोच रहे हैं कि मैं जल्दी से एक्सप्रेस करूं क्योंकि वो बहुत बेचैन हो रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम में है। उन्हें लग रहा है कि अब बहुत पहले ही लेट बहुत हो गया है और अभी टाइम वेस्ट करके या ना बताकर मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा अगर मैं टाइम वेस्ट करता हूं। अपने दिल की बात कहना चाह रहे हैं लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी बीच में सिचुएशन हो या थर्ड पार्टी की वजह से आप तक अभी तक बात नहीं कर पाई है या कोई ब्लॉकेज अभी भी थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा हो, तो पहले वो थर्ड पार्टी के साथ क्लियर करके ही आपके पास आएंगे। तो हो सकता है कोई डिले भी हो जाए लेकिन वो बहुत आपके लिए बहुत डीपली थिंकिंग लिए बैठे हैं कि मुझे अब ऑफर देना ही देना है, कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे पहले थर्ड पार्टी के साथ उसको एंड करूं, उनके साथ अपना कर्मा जल्दी से रिलीज करूं, जैसे भी हो उसको अपनी लाइफ से निकाल के तब वो आपको अपना ऑफर देंगे। तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कैसे क्या करना है क्योंकि इंटरनली तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी हो सकता है अभी आपको राइट वे, आपको क्राइंग एनर्जी भी आपको फील हो रही है, आपका खुद का मन हो सकता है कि ऐसा कोई सॉन्ग जो आपका कभी बबल फेस में किसी को सेंड किया हो या हो सकता है जिस सॉन्ग के वजह से आप दोनों की डीप फीलिंग्स जुड़ी हों या उस सॉन्ग को सुनते हुए एकदम से आपको याद आ जाती हो एक दूसरे की, तो हो सकता है वो सॉन्ग अचानक से आपको पॉपअप हुआ हो और हो सकता है कोई ऐसे ड्रीम जो आपने देखे हो वो सॉन्ग के साथ वो ड्रीम भी डिकोड हुआ हो, ऐसा कोई आपके सामने चीज़ पॉपअप हो गई तो जिसको देख के आपको बहुत क्राइंग एनर्जी फील हो रही हो। कहीं ना कहीं ये जो आपको इंडिकेशन दिया गया है ये एंजल के द्वारा आपको दिया गया है और ट्रिपल फोन नंबर भी उस टाइम शो हुआ हो। अगर ये आपके साथ हुआ है और आपके पार्टनर का कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी आपको बबल फेज में हुई वो चीज़ें आपके सामने अचानक से आई हो और आपका एकदम से क्राइंग एनर्जी करने का मन हुआ, दिल एकदम से बेचैन हुआ और अब रोना आपके एकदम से निकल आए, क्राइंग एनर्जी में आ गई हो, तो हो सकता है ये आपकी 101% आपके पार्टनर की ही एनर्जी है जो आपको आप मिरर कर रहे हो, आप उनकी एनर्जी पिक कर रहे हो जिस वजह से आप पॉजिटिव तो हैं लेकिन वो एक जो उनकी फीलिंग है वो आप उनको फील करके आप भी रोना क्राइंग एनर्जी में आ गए हो और आपका कहीं ना कहीं आप जो एक अपना माइंडसेट बनाया हुआ था कि नहीं मुझे उनको फोकस नहीं करना लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हो सकता है या तो वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हों, ये भी हो सकता है। तो अभी आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी आपको फील हो सकती है, हार्ट बीट आपका फास्ट हो सकती है, पेन हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा पता खुद से ही पता लग जाएगा कि आपके पार्टनर की ही एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो आपका क्राइंग एनर्जी से बिल्कुल साफ क्लियरिटी हो जाएगी अगर आपका थॉट एकदम से क्लीन होना शुरू हो गया हो और साथ में मिसिंग एनर्जी फील कर रहे हो तो बिल्कुल आपको आपके पार्टनर की ही एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। तो अभी तक की यही अपडेट और एक सॉन्ग डालूंगी, अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।